नमस्कार जी, तुम देख रहे हो न्यूज़ टीवी 11। मैं थोड़ा दोस्त अच्छे जिला पठानकोट के 2022 मार्च में लॉकडाउन लगे थी, सारे नूं पता है। उस तो बाद पंजाब दे विच बहुत ही नाम कमाया गोरे सिंह हरजीत, इन्हां दी जोड़ी बहुत ही फेमस हुई पंजाब दे विच और बाहरले देशों में। अज पठानकोट जिले के ओल्ड तारागढ़ सेंट एंड्रयू स्कूल कॉन्वेंट के विच पहुंचे ने। सर पहला तुहाडा पठानकोट दी धरती बहुत बहुत स्वागत। अज तुसी कॉन्वेंट स्कूल सेंट एंड्रयू स्कूल ओल्ड तारागढ़ इतने मेरे पहुँचने का कारण यह है कि मेरे बहुत ही अजीज़ मित्र भाजी बब्बू खानपुरी है जी, जो कि 7-स्टार सिंगिंग एंड डांस अकैडमी वालों हर साल बहुत ही वड्डा इवेंट करवाते हैं, जिदे ऑडिशन इस वक्त इस स्कूल दे विच चल रहे हैं। तो उन्होंने ऑडिशन के मुतलक मैं इतने पहुँचा, सारा सिस्टम बहुत वधिया है, इन्हां दी टीम बड़ा वधिया काम कर रही है, ऑडिशन बहुत वधिया चल रहे हैं। तो 2 अप्रैल नू पठानकोट दे विच ऑडिटोरियम हॉल दे विच ग्रैंड फिनाले उत्थे भी पहुँचेंगे चार चार। अज तुसी देखिया कि छोटे छोटे बच्चे आ बहुत ही वधिया प्रोग्राम कीता, ऑडिशन दिते, तुहानू किदां लगदा? असल विच सर जो साडा कॉन्फिडेंस लैवल हुंदा है ना, वो बब्बू भाजी वर्गे बंदियां दी ही देन है कि उस कॉन्फिडेंस लैवल नूं उपर लिया जाता। नहीं तो तुसी अपने वल जां मेरे वल आपां पिछले टाइम दे विच झाती मारी तो साडा कॉन्फिडेंस लैवल इन्ना नहीं सी जिन्ना अज दे जनरेशन दा, अज दे बच्चियां दा। तो वह कॉन्फिडेंस लैवल नूं उपर चुकण वास्ते इहो जिहे बंदियां दी समाज दे विच बहुत ज़्यादा लोड़ है। असीं गल करिए 2022 मार्च नूं लॉकडाउन लग्गिया सी, लोग सारे कई भी जिंदगी बन गई, कई रुड़ गए, लोग मुक गए, तो तुसी ही लोगों बहुत इंजॉय किया, लोगों ने भी तुम सुन के। तो 2022 तो भी तो पहला अपनी जिंदगी तो हमारी जिंदगी थोड़ी चेंज हुई, बहुत ज़्यादा चेंजमेंट है जी। पहला मतलब मैं एक सिर्फ नॉर्मल बंदा सी, अपनी मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा, अपनी जॉब तो घर तो जॉब, बस यही मेरा काम हों। लॉकडाउन दे विच जो साड़ी परफॉर्मेंस रही आ आल वर्ल्ड दे विच, उहदे विच सानूं ये कॉम्प्लीमेंट मिले है कि एक तो वैक्सीन मिली है लोगों को, दूजी वैक्सीन साढ़े वालों दिती गई है उस सदमे दे विचों बाहर कढ़ने वास्ते। सो वो बहुत वड्डा साढ़े वास्ते, बहुत वड्डी अचीवमेंट सी, रिवॉर्ड सी बहुत वड्डा। तो वो जिहड़ा टैग साढ़े ते लगा होया वो अज भी मौजूद आ कि इन्हां नूं लॉकडाउन दे विच कोई लैर की सर। पंजाबी गल करिए कितने ना कि जवानी की गल करिए, पंजाब नशे लैके बहुत गलत कर दी है, कहीं भी सुन दिए नौजवानों को कोई मैसेज दे। देखो पहली गल तो यह जो साड़ी पंजाब स्टेट है, मेरे ख्याल से कि इन्हें बदनाम ज़्यादा किया गया। जो मान लो इतने 10% इस तरह का नशा हैगा भी आनू 90% शो किया जा रहा कि पंजाब नशा बहुत है। हालांकि राजस्थान यूपी वर्गी यह जी स्टेटा है जिन्हों के छोटी उम्र के लोग कई तरह के नशे लाते हैं। तो बाकी साडा पंजाब खुशहाल है, हरिया भरिया है, जेडे कुछ साडे यंगस्टर नशे करते हैं उन्होंने इस दलदल के बाहर आ के जो उन्होंने अंदर टैलेंट है किसी भी तरह का, अ जी मैं थोड़े नाल गल कर रहा, गल करना भी एक तरह का टैलेंट मिल जाता जे किसी के समझ में आती हो, उन्होंने उस चीज़ के बाहर आ के अपनी जो वधिया परफॉर्मेंस है समाज के लिए देनी चाहिए।